अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फरा जुनेद और आप देख रहे हैं ज़ूम इन। जी जी, ये बिल्कुल ज़ूम इन ही है, आप परेशान ना हो। कुछ थोड़ा सा हमने फॉर्मेट चेंज किया है। बेसिकली मुझे बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि वो अबू के साथ में हमारी जो एक इनफॉर्मल सी गॉसिप्स हैं वो सुनना चाह रहे हैं, तो मेरी जो मुलाकात थी वो तो उनसे ओवरड्यू हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ ले चलती हूँ। तो चले हम मिल के कुछ पुरानी पुरानी सी यादों को ताज़ा करेंगे, तो चले मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अबू जान, आज आप पे मैंने छापा मारा है और मैं चाह रही थी कि आपसे कुछ पुरानी पुरानी हम यादों को दोबारा से डिस्कस करें, और क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मिलना भी चाह रहे थे और आपकी आपसे बातें करना चाह रहे थे, तो वो कुछ हम इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, उनको स्टोरीज बताएंगे पुरानी पुरानी सी। तो शुरू करते हैं कि ये जो माशाल्लाह आपके चारों बच्चे, हर बच्चे पे एक अलहदा फीलिंग, तो सबसे पहले तो बाबा आए, तो बाबा पे क्या फीलिंग थी? वो एक तो ये है कि जिस दिन इन्हें पैदा होना था ना, उस दिन आपकी अम्मी बाहर कहीं बरामदे में थी, तो अबू आए, उसने कहा कि मैं तो, मेरा तो ख्याल था कि आप मेरे पोते, मेरा पोता पैदा कर रही होंगी, आप इधर क्या कर रही हैं? सही। तो इस तरह वो मुझे, मैं शायद कचहरी में था उस वक्त जब मुझे इतला मिली इसकी। सही, तो क्या फीलिंग थी, कुछ याद है? बस वो मेरे मतलब एक फादर की फीलिंग होती है। सही। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर उसके बाद यानी अवैस भाई आए और उसके बाद जुनेद आया। तो जुनेद से इतनी मोहब्बत की क्या रीज़न है? बता नहीं सकता, क्योंकि आपने तो उनके ऊपर बड़े वो शेर भी ज़ाया किए हैं, बकौल लोगों के एक बुक भी आपने उनके नाम की हुई है। वैसे तो मेरा ख्याल है बुक तो आपने सबके नाम की हुई है, तो गुबार लूद जो है वो सिमतों वाली जो है वो बाबा के नाम है। इसे तो मैं हर वक्त अपने पास रखता हूँ, ये देखे ना भाई, ये दिखाएं ये वाली तस्वीर अगर जुनेद की, जुनेद को याद हो वरना उनके सारे दोस्तों को मैं बताऊं कि ये की तस्वीर है जो अबू के सराहने पड़ी रहती है, जिसका राज जो है ना आज तक हमें समझ नहीं आया, इस मोहब्बत का राज समझ नहीं आया। तो ये तो जुनेद से आपकी मोहब्बत का राज है जो कभी कभी तो खुलेगा। बाकी आपके ये वैसे तो एक दो बच्चे भी हो ना, तो उनको जिस तरह मुझे लगता है कि संभालना, उनकी केयर करना तो बड़ा मुश्किल काम है, उनकी ग्रूमिंग करना, तो ये आपने माशाल्लाह तीन बच्चों की बहुत ही अच्छी ग्रूमिंग भी की है, लेकिन इसमें ज़्यादा हिस्सा इनकी माँ का है। बेशक कुछ में मौका मिला मुझे अच्छे से सिचुएशन में पढ़ाने का। आफ्ताब पौने चार साल का था जब मैं इसे छोड़ के आया था साहिवाल कॉन्वेंट में, माशाल्लाह बोर्डिंग में। अच्छा। दिन रात उसने वहाँ रहना था, तो अवैस ज़रा शरीफ था, ये तो जुनेद तो बहुत ही शरीफ था। इसकी एक दो बातें मुझे याद है, दो तीन छोटी छोटी, मसलन किसी चीज़ की खाने को जी चाहता ना, तो बजाय से कहते कि मैं फलां चीज़ खाने, कहता था कि मुझे सेब की भूख लगी है, मुझे बर्फ़ी की भूख लगी है, ख़ास किस्म की भूख। सही, चीज़ों के नाम से भूख लगती थी। एक फिर मुझे बिल्कुल इसका बहुत याद है, छठ पे मुंडेर पर ये साथ साथ एक डिंकी होती थी छोटी, वो उस पर चलाता जाता और कहता जाता लकी रानी सर्कस, लकी रानी सर्कस, लकी रानी सर्कस। इसने कहाँ से ली था, क्या शहर में आई होगी इसे? तो मुझे जो मुझे इन्फॉर्मेशन ये बातें अम्मी से पता चली, उसमें मुझे ये पता चला कि ये माशाल्लाह आपके चारों बच्चे ही बड़े बुरे बुरे गिरे हुए हैं ऊपर से, और काफ़ी खौफनाक किस्म के गिरे हुए हैं। आफ्ताब का तो मुझे याद है, जुनैद का भी थोड़ा थोड़ा याद है। तो आफ्ताब भी कैसे गिरे थे? आफ्ताब वो पतंगबाजी कर रहे थे माशाल्लाह, तो ऊपर से छत से नीचे गिरे, हड्डी वड्डी बच गई सारी। अच्छा, तो अवैस भाई कैसे गिरे, उनको भी वो हड्डी टूटी थी? हाँ, वो तो दीपालपुर अपने ननिहाल में था, वहाँ हम गए हुए थे, तो वहाँ ग्रीजी सा फर्श था, तो वो भाग रहा था उस पर, वहाँ उस पर गिर गया, उनसे गिर के फ्रैक्चर करवा लिया, फ्रैक्चर करवा लिया। और जुनेद ने तो वो पानी की टंकी से ही छलांग लगा दी। ओहो, अच्छा एक और मुझे छोटा सा, मैं सबकी मैं पिटाई करता था, अब सबसे ज़्यादा पिटा आफ्ताब है। अच्छा। उसके बाद अवैस, तो मुझे नहीं याद कि मैंने इसको कभी पीटा हो। जुनेद को कभी नहीं मारा? हाँ, थोड़ा सा मुझे याद है
कि जब ये छोटा सा साथ चार साल का तो महल्ले में कहीं निकल गया। मैं बहुत परेशान है, कहाँ चला गया? मेरे जहन में ये भी आ कहीं गुम ही ना हो गया हो। वो आधे घंटे के बाद मुझे पता चला कि महल्ले में फलां जगह है, तो वहाँ से पकड़ कर इसे लाए। और मेरे पास एक चमक सी थी, शाख सी होती है ना, वो मैंने इसे मारी थी, पता नहीं क्या इसको लगी या नहीं लगी। इसके अलावा मैंने इस पर कभी हाथ नहीं उठाया। अम्मी ने काफ़ी हाथ उठाया हुआ सारों में, सब माशाल्लाह सारे काफ़ी मार खाई हुई है। परवरिश में कोई 80% हिस्सा इनकी माँ का। बिल्कुल, क्योंकि वो ये तो मैं भी मानती हूँ, जिस वो एंड तक आखिरी टाइम तक उन्होंने अपनी जो इनसे डर था ना, वो आपसे डरते डरते कोई नहीं, आपके बच्चे सारे ही, लेकिन अम्मी से ज़रूर डरते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी जो तरबियत जो उनका पार्टिसिपेशन था ना, वो काफ़ी ज़्यादा रहा। तो बाकी ये है कि मुझे ये बताएं कि अपनी पोइट्री के हवाले से बताएं कि आपकी जो पहली किताब आई तो क्या आपको अंदाज़ा था कि वो इतनी शोहरत लेगी? इतनी जैसे ये काम शुरू हुआ, मैं बताता हूँ थोड़ी इख्तसार के साथ। जी हमारे गांव में जब पढ़ाई शुरू हुई तो कच्ची जमात में जब मैं था ना, तो हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे नूर अहमद अंजुम कुरैशी। अभी भी नाम याद है आपको? नाम याद आप है। कहते हैं मेरी मेमोरी लॉस है, आपकी मेमोरी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो वो यूँ करते थे कि तख्ती पर अलफ बे पे पेंसिल से पूरने जैसे कहते हैं ना, वो डाल दिया करते थे। तो हम कलम पे कलम से उसके साथ उस पर अलफ बे लिखा करते, फिर उन्होंने लफ्ज़ शुरू कर दिए लिखने, उसके बाद उन्होंने जुमले लिखने शुरू कर दिए, वो शायर थे, फिर उन्होंने शेर लिखने शुरू कर दिए, उर्दू के भी फारसी के भी। तो शेर चूँकि हम लिखते थे साथ साथ पढ़ते भी थे, तो उसी दौरान मेरी तबीयत मौजू हो गई, रवा हो गई, वरना ये मैंने फ़ायलात उरूज जो है किसी से नहीं सीखा, अपने अटकल से ही काम लेता हूँ, कभी गलती भी हो जाती है। तो ये हुनर मैंने बाकायदा, वैसे भी मेरा कोई उस्ताद नहीं, वो जो उस्ताद थे वो शायरी में तो उस्ताद नहीं थे। सही। हाँ, उनका ये है कि बाद में जब वो यहाँ आए ना, रिटायर हो गए लाहौर, तो उनका एक मजमूआ कलाम छपा, उन्होंने बड़े शौक से मुझे भी भेजा, मैंने कालम लिखा, उसमें 8-10 मैंने गलतियाँ निकाल दी। आपने अपने उस्ताद की गलतियाँ निकाल दी? फिर उन्होंने कहा फ़ोन आ रहे, उस्ताद को भी नहीं छोड़ा तुमने। सही, इस तरह करके था। तो यहाँ से आपकी शायरी शुरू हुई। अच्छा, पहला शेर मेरा जो था ना, वो इतना वायरल हुआ कि मुझे मजबूरन फिर शायरी करनी पड़ी। किसी को हम ना मिले और हमको तू हमको ना मिला। ये तो टैक्सियों के पीछे, रिक्शों के पीछे, ट्रकों के पीछे आम लिखो आपको मिलेगा, तब तो मिलता था। तो आपने अपनी सारे जो उस टाइम में जितना आपका स्टैंडर्ड था या जो आप जितनी इनकम थी उससे आपने बहुत ऊपर इन लोगों के लिए सोचा, माशाल्लाह आपने इनकी एजुकेशन पे उस टाइम भी बेस्ट खर्च किया। हाँ, बेस्ट किया। अच्छा, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में? बेस्ट इंस्टीट्यूशन में। यस, पहले तो कॉन्वेंट, उसके बाद ये कैंट का जो स्कूल था जी, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में, तीनों ये बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस थे। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि आपको उस टाइम ये अंदाज़ा हो चुका था कि बच्चों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी बेस्ट एजुकेशन है। बिल्कुल, आपने उनके लिए जायदादें नहीं बनाई। नहीं, आपने उनके लिए बेस्ट उनको एजुकेशन दी है। तो जायदादें माशाल्लाह ये खुद बना रहे हैं। सही सही। तो मेरा उस वक्त भी ये था कि अगर इन्हें तालीम और तरबियत इसकी अच्छी होगी तो जायदादें ये खुद बना लेंगे। सही। तो आजकल जो आप अभी जो रिसेंटली कोई जो आपकी शायरी हो, कुछ नया शेर कुछ आपको अगर याद हो, क्योंकि पुराने शेर तो वैसे सारे लोगों को अजबर हुए हैं। हाँ, शेर मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस वक्त भी मैं शायरी कर रहा हूँ माशाल्लाह। और हाँ, आपकी शायरी में अभी भी ताजगी है। हाँ, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ये अल्लाह में, यहाँ किसी से कोई काम लेना चाहते हैं ना, कोई ऐसा ही मामला मेरा भी है, वरना कोई 10-15 साल पहले मैंने मुनीर रियाजी का इंटरव्यू सुना था, उसमें कहा था कि मैंने 20 साल से शेर नहीं कहा, तो अब मैं सैकड़े की दहाई में दाखिल हो चुका हूँ
और शेर कह रहा हूँ वैसे ही जैसे मैं शुरू में कहता था। माशाल्लाह। तो अभी मैंने कल या परसों शेर कहा था तो आफ्ताब को मैंने कहा सुनाऊंगा, उसको अपने शो में चला लेगा, वो याद करके सुनाता हूँ। दिल का दामन तेरी झाड़ी से जो उलझा है, दिल का दामन तेरी झाड़ी से जो उलझा है, तो फिर मुद्दतें बीत गई हमसे छुड़ाया न गया। वाह, मुद्दतें बीत गई हमसे छुड़ाया ना गया। दिल का दामन तेरी झाड़ी से जो उलझा है, वाह वाह, तो फिर मुद्दतें बीत गई हमसे छुड़ाया ना गया। और एक शेर जो मैंने जुनैद पर कहा था, तो अब वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, वो वही इस्तेमाल होगा जिसके लिए आपने कहा था। सही। वो आपको भी लिखाया था जी। जरा भी फर्क नहीं, हूबहू धड़कता है, ये दिल नहीं मेरे सीने में तू धड़कता। वाह वाह। और अभी परसों कल परसों वाला शेर मैं याद करके सुनाता हूँ, अच्छा लगा था मुझे। सांस लेने की भी रहती नहीं फिर गुंजाइश, इस तरह तू मेरे सीने में भरा रहता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत। और एक शेर मुझे याद आ रहा है कि यूं है कि यहाँ नामो निशान तक नहीं तेरा, यूं है कि यहाँ नामो निशान तक नहीं तेरा, और तुझसे भरी रहती है तन्हाई हमारी। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यूं है कि यहाँ नामो निशान तक नहीं तेरा, और तुझसे भरी रहती है तन्हाई हमारी। किसी के दिल में जगह मिल गई है थोड़ी सी, किसी के दिल में जगह मिल गई है थोड़ी सी। सो कुछ दिनों से जफर गोशागीर हो गए। वाह, बहुत खूबसूरत। किसी के दिल में जगह मिल गई है थोड़ी सी, सो कुछ दिनों से जफर गोशागीर हो गए। सुभान अल्लाह। अबू, ये तो शायरी ऐसी है कि दिल करेगा सुनते ही जाएं। तो ये है कि ये हम एक परमानेंट रखेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे आम तौर पर जो कंटेम्परेरीज होते हैं ना, वो जेलस होते हैं, वो आपको मानते नहीं हैं। अभी बहुत सारी, यानी एक औसत उनकी भी है, लेकिन दो तीन लोग हैं जो मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया। एक तो साकी फारूकी जी, बड़ा मशहूर शायर जी, जी जी लंदन में काम था उसका, उसने कहा कि पाकिस्तान में 2-1.5 शायर। वाह। तो एक बार मियां मोहम्मद जमान है ना हमारे जी 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 वजीर, वो जब वजीर फेडरल मिनिस्टर थे तो वो किसी सिलसिले में अमेरिका गए, तो वहाँ पर कोई मुशायरा हो रहा था, तो वहाँ उनको भी उसने बुला लिया, वो चले गए। तो अहमद फराज भी था, शहजाद भी था, तो किसी ने बताया अहमद फराज को कि ये जो हैं ये जफर इकबाल के रिश्तेदार हैं। तो वो आया, मिला, बड़ा खुश हुए। तो मियाँ जमान ने पूछा कि जफर इकबाल तो हमारा है, वो गड़े की मछली है, हम उसे कुछ समझे या ना समझे, आप उसे कहाँ प्लेस करते हैं? तो उसने कहा, जी लोग हमें पढ़ते हैं और हम जफर इकबाल। वाह, तो ये बड़ा, तो ये कंसीडर करना जो है ना, ये भी बड़ापन होता है। इसमें किसी बड़े शायर को या किसी भी बड़े आदमी को, किसी की बड़ाई को मान लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने तो ये, खैर, मुख्तलिफ लोगों की आरा देखती हूँ और मुख्तलिफ जो आपके साथ पहले भी मैंने प्रोग्राम किए उसमें मुख्तलिफ कमेंट्स देखती हूँ, तो लोगों के अंदर जेलसी है या नफ़रत है, आई डोंट नो। लेकिन बड़े की बड़ाई को मान लेना जो होता है उसमें कोई छोटापन नहीं होता, उसमें आपकी बड़ाई होती है। तो आई बिलीव के लोग इस चीज़ को समझेंगे। जो जेन्युइन आदमी है वो दूसरे को तस्लीम करेगा जरूर। सही। तो ये मुलाकात तो एक हमारी छोटी सी चिट चैट थी, मेरा दिल था, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होती है। तो इसमें हम नेक्स्ट टाइम पे कुछ और छोटी बचपन की मेमोरीज, अवेलेबल हूँ बिल्कुल ज़रूर, तो हम कुछ और यादें निकालेंगे और कुछ आपकी नई शायरी से इस्तेफादा भी करेंगे अपने नाज़रीन से। मेरी लॉस शुरू से ये मेरा, मैं बताता हूँ आपको, रेलवे साइकिल आया था उन दिनों में, बहुत नया नया लोग बड़े शौक से खरीदते थे, मैंने भी खरीदा। तो मैं बेकरी पर चला गया डबल रोटी खरीदने के लिए, तो
बाइसाइकिल वहीं छोड़ा है। फिर घर वाले ने पूछा बाइसाइकिल किधर है, मैं वो तो वही रह गया, वो वही रह गया पड़ा था वो ब्रेड तो आ गई थी ना। अच्छा इससे मुझे याद आया एक लतीफा, मैंने लिखा भी था कि एक आदमी चर्च में गया प्रेयर करने के लिए, बाइसाइकिल बाहर उसने बाइसाइकिल खड़ी की अपनी, तो चला गया मेरे जैसे मैं घर चला गया था। दूसरे दिन सुबह सुबह उठा तैयार हुआ तो उसने कहा बाइसाइकिल किधर है, फिर याद आया कि वो तो कल मैं कल शाम को चर्च गया था वहाँ छोड़ आया था, फिर वहाँ गया तो बाइसाइकिल वहाँ खड़ी थी, वो शुक्राने के नफल अदा करने के लिए चर्च में गया, बाहर आया तो साइकिल गायब थी। उसका शुक्र पसंद नहीं आया। चले आपके बहुत सारे नए जोक्स और शायरी के साथ इंशाल्लाह नया प्रोग्राम करेंगे, तो नाज़रीन इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।